दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा, द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं और आपको सत्य और वैज्ञानिक धारणाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज इसी संदर्भ में मैं एक नया विषय लेने जा रहा हूँ कि खूब इच्छाएँ करो और खूब सपने देखो जीवन को गति, विकास एवं पूर्णता देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सदियों से हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने, संत महात्माओं ने जहाँ जीवन का अमृत भी दिया है, वहीं अनेक गलत धारणाओं का विष भी दिया है जिसके प्रभाव को हम आज तक भुगत रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जहाँ एक तरफ धन, स्त्री, सेक्स, इच्छाएं, स्वाद एवं जीवन का घोर विरोध किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अनेक शास्त्रों में स्त्री, काम, धन, समृद्धि, जीवन को सम्मान भी दिया है। मानव समाज भीतर से भौतिक समृद्धियों को पाना चाहता है, परंतु हमारे उपदेश उसको अपराध भाव से ग्रसित कर देते हैं कि जैसे धन, स्त्री, सेक्स, इच्छाएं, स्वाद, समृद्ध जीवन इत्यादि में जीना पाप है। क्या सत्य है? आइए आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खूब इच्छाएं करो और खूब सपने देखो, क्योंकि जीवन को गति, विकास और नवीनता देने का यही मुख्य तत्व है। इनके मर जाते ही, इन्हें मार देने से जीवन की गति, विकास और नवीनता सब रुक जाएगी। जीवन नीरश, गतिविहीन, रूखा, सड़े हुए तालाब की तरह हो जाएगा। इच्छाएं और सपने जीवन के विरोध में नहीं बल्कि जीवन के पक्ष में है, जीवन के अभिन्न अंग है। ऐसा जीवन मृत्यु के समान है जिसमें इच्छाएं या सपने तक नहीं है। आपके जीवन में चारों ओर आश्चर्यजनक प्रगति एवं विकास असाधारण इच्छाएं एवं सपनों का ही प्रतिफल है। इच्छाएं, सपने, कल्पनाएं मानव में ईश्वरीय प्रदत्त अमूल्य स्वाभाविक सहज गुण है। ईश्वरीय प्रदत्त इन गुणों का सदुपयोग करना होता है। इनके साथ चिपक कर या दुखी होकर नहीं बल्कि निराशक्त होकर अभिनय की तरह, एक खेल की तरह, पूरी प्रबलता से, निष्ठा से, एक अच्छे अभिनेता की तरह खेलना होता है। यही गुण अगर दुख, घृणा, लालच, चिपकाव, अवसाद पैदा करे तो आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए सवाल इच्छाएं कल्पनाओं के त्याग का नहीं है बल्कि होशपूर्ण जागरूक होकर अज्ञानता एवं बेहोशी से बाहर निकलना है। ईश्वर कभी भी बगीचे पैदा नहीं करता, वो सिर्फ जंगल पैदा करता है। सुंदर बगीचे हमें निर्माण करने होते हैं। ईश्वर सिर्फ पत्थर पैदा करता है, मूर्तियां हमें बनानी होती है। वो मिठाई नहीं बनाता, मिठाई बनाने की सामग्री एवं सुविधाएं देता है। इसलिए इच्छाएं एवं सपनों के बगैर ये बगीचे, ये मूर्तियां, ये मिठाई कभी संभव नहीं होते। हमारे पुराने शास्त्र एवं संतों के कथन पर आँख बंद कर कभी विश्वास न करें। इसमें अधिकांश कथन जीवन विरोधी है, ऊंची ऊंची अव्यवहारिक बातें हैं। इसलिए अध्यात्म का विज्ञान एवं सामान्य मानव के व्यवहारिक जीवन में कोई मेल नज़र नहीं आता। दोनों अलग अलग अस्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जबकि जीवन और अध्यात्म एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। जो अध्यात्म हमें सर्वश्रेष्ठतम जीवन जीने की कला नहीं देता, समग्र रूप से खिलने की शक्ति नहीं देता, पूर्ण समृद्धि नहीं देता, वह अध्यात्म प्राचीन पुस्तकों में ही रहने दें, अपनाएं नहीं। यह सत्य सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगेगा कि अगर संसार के अरबों खरबों व्यक्ति अगर बुद्ध, महावीर, नानक बन जाए तो मानव समाज आध्यात्मिक प्रगति के शिखर पर होगा, परंतु भौतिक रूप से धरातल में। यह एक तरफा प्रगति या समृद्धि महाघातक असंतुलन है। सच्चा संतुलन तो भौतिक एवं आत्मिक दोनों की समृद्धि है, और भौतिक समृद्धि भरपूर इच्छाओं और सपनों के कभी संभव नहीं। इसीलिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या यानी कि झूठ, प्राचीन ग्रंथों का यह सबसे बड़ा अर्ध सत्य है और आधा महाझूठ। 100 साल तक हम इस शरीर में रहकर
हम शरीर को अगर झूठ कहते जाएं और भीतर की आत्मा को सत्य कहते जाएं, तो इससे बड़ा भ्रम, असत्य, अज्ञानता क्या हो सकती है। जिस शरीर को हम 24 घंटे उपयोग करते हैं उसको जीवन भर मिथ्या कहते जाते हैं, और जिस आत्मा को हम कभी नहीं भोग पाते, जिसे केवल शब्द ही सुन रहे होते हैं, उनको हम परम सत्य मानकर चल पड़ते हैं। जितना इस ब्रह्मांड में शरीर सत्य है, उतना ही आत्मा भी सत्य है। एक अनित्य धर्म है और एक नित्य धर्म है। जागृति, होश आत्मा की समृद्धि है, धन, वैभव, संस्कार शरीर की समृद्धि है, और दोनों समृद्धियों को जो पाता है, जो जीता है, वही सच्चा संपूर्ण आध्यात्मिक मानव है, योगी है। जीवन को जितना सुविधाजनक बना सकते हैं उतना सुविधापूर्ण बनाएं, और उसके लिए इच्छाएं करें, सपने देखें, कल्पना करें, प्रयास करें और रचना करें। असफलता के बावजूद भी फिर लगे रहें, हारे नहीं, पूरी प्राण ऊर्जा लगा दें। एक सुविधा प्राप्त होते ही तुरंत दूसरे की कामना करें और फिर उसको सफल करने में जुट जाएं। इस तरह संसार को गतिशील, समृद्ध और जीवंत बनाए रखें। कामना में कोई दुख संताप नहीं। दुख तो तुम्हारी धारणाएं हैं, चिपकाव हैं, अलचकीली अपेक्षाएं हैं। असफलताएं कभी दरवाजे बंद नहीं करती, बल्कि हर असफलता दूसरे मार्ग की सूचना और प्रेरणा देती है। इसलिए हर असफलता के साथ दुगने उत्साह के नए मार्ग की तलाश शुरू कर दें। सफलता निश्चित है, इसी आशय पर मैंने एक शेर लिखा है कि जिंदगी में हर हार ने मुझे इस कदर भड़काया है कि मंजिल को पाने का अब मुझ में दुगना जोश आया है। सदियों से हमें जो एक गलत आध्यात्मिक समझ दी जा रही है कि संतोषम परमम धनम, मैं कहता हूं कि असंतोष ही जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा धन है। अगर आप ये मान लें कि साइकिल है, तो अब कार की या हवाई जहाज की क्या कामना करना, तो तुम जीवन भर साइकिल में ही रह जाओगे। अगर तुमने सोचा कि एक ही कमरा काफ़ी है, तो बंगला कभी नहीं बना पाओगे। हम ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर का अर्थ है ऐश्वर्य, परम समृद्धि है। इसलिए हम ईश्वर की तरह विस्तृत होना है, फैलते जाना है, ब्रह्मा बनना है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार करते जाना, बुद्ध या सीमित नहीं रहना है। और यह विस्तार या प्रगति अब बगैर असंतोष के कभी हासिल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, और आगे और आगे, यही असंतोष रिसर्च, खोज, नवीनता, आविष्कार का सबसे बड़ा कारण बनती है। चंद्रमा तक ही पहुंच क्यों, अन्य नक्षत्रों तक क्यों नहीं, यही असंतोष, यही अतृप्ति, यही प्यास, यही इच्छा, यही सपना, यही कल्पना जीवन के विकास का सर्वप्रथम आधार है। महल हो कि कमरा हो, साइकिल हो कि रॉकेट हो, दुख ये चीजें पैदा नहीं करती। जागरूक व्यक्ति इनको निरासक्त होकर भोगता है, इसमें डूबकर भी तेल की तरह अलग रहता है। इसलिए इच्छाओं, कल्पनाओं, सपनों, असंतोष एवं सुविधाओं के दुश्मन बनने के बजाय अज्ञानता के दुश्मन बने, बेहोशी के दुश्मन बने, होश को प्राप्त करें। करोड़ों कमाना गुनाह नहीं है, करोड़ों से चिपकना गुनाह है। असंतोष जीवन को गति देता है, संतोष गति तो देता है परंतु जीवंतता नहीं, चैलेंज नहीं, उत्साह नहीं। रुके हुए तालाब की सीमाएं और निरस शांति का जीवन में क्या मूल्य। इसलिए प्राप्त करने योग्य सभी समृद्धियां प्राप्त होने के बाद भी संतोष शब्द को धारण करें। इसके पहले संतोष आत्म प्रगति का बाधक है और घातक है। कम से कम सुविधाओं में जीना पशुगुण है, क्योंकि वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी सीमाएं हैं। अधिक से अधिक सुविधापूर्ण होकर जीना मानवीय गुण है, क्योंकि उसकी सीमाएं अनंत है, अंतहीन है, वह प्राप्त करने की क्षमता रखता है। संसार का यही सत्य है और यह निरंतर चलता रहेगा। सदियों से आध्यात्मिक जगत एवं संतों के इस वक्तव्य को कि इच्छाएं, कामनाएं त्यागों, लाखों बार चीख चीख कर कहने के बावजूद भी आज मानव जाति अपने सहज स्वभाव से इच्छाओं और सपनों को विकसित करती जा रही है, वो पूरे संसार को एक नया स्वरूप दे रही है। ईश्वर आपकी इच्छाएं, सपनों, कल्पनाओं के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भरपूर पक्ष में है। अन्यथा
वह लाखों पशुओं की तरह आपको पैदा करता। वह आपके इच्छाएं सपनों के त्याग के विरोध में नहीं है। अगर आपकी इच्छाएं सपने आपको दुख, तनाव, अवसाद, निराशा, क्रोध देती है तो वह आपकी अज्ञानता है। आप चाहें तो जागरूक होकर पूरी मस्ती से अपनी इच्छाओं एवं सपनों को साकार रूप दे सकते हैं, असफलताओं से और मजबूत हो सकते हैं। जागरूक व्यक्ति को हजारों इच्छाएं सपने भी कभी अशांत नहीं कर सकती, और बेहोश व्यक्ति को एक सामान्य चाय पीने की इच्छा भयंकर अशांति दे सकती है। इसलिए दोष इच्छाओं और सपनों का नहीं है, दोष बेहोशी और अज्ञानता का है। त्यागना है तो बेहोशी त्यागो, अज्ञानता त्यागो और होश साधो। नियमों को समझो। हजारों इच्छाओं के बावजूद आप महा आनंद महा उत्सवपूर्ण अवस्था में जी सकते हैं। गलत आध्यात्मिक शिक्षाओं ने हमें अपराधी भाव में डालकर विक्षिप्त कर दिया है, और सभी संत पुराने शास्त्रों को तोते की तरह रटकर अपने अपने ढंग से इच्छाओं और सपनों के विरोध में त्यागने के लिए कुछ न कुछ कहते जा रहे हैं। इच्छाएं और सपने उसी तरह स्वाभाविक है जैसे सूर्य चंद्र का नियमित निकलना स्वाभाविक है। एक तरफ इच्छाओं और सपनों के बिना हमारा जीवन दुभर हो जाता है, तो दूसरी तरफ हमारी आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें निष्कृष्ट मूर्ख अपराधी भाव का एहसास दिलाती रहती है। एक संत भी पूरी तरह इच्छाओं से सपनों से ग्रस्त होता है। वह भी अपने आश्रम साहित्य एवं अपनी प्रसिद्धि को सपनों से नए आयाम देता रहता है। इसमें कोई गुनाह नहीं है। सच्चे संत को आधुनिक युग के प्रचार प्रसार के साधनों का भरपूर उपयोग कर मानव सभ्यता को जागृति की ओर ले जाना ही चाहिए। जिस तरह सेक्स पूरे जीवन की मुख्य धुरी है जिस पे सारा संसार टिका हुआ है, उसी तरह इच्छाएं सपने मानव सभ्यता के विकास की धुरी है। सेक्स गलत नहीं है, वह परमात्मा का अनुपम वरदान है। अज्ञानी उसका दुरुपयोग करता है। उसी तरह इच्छाएं सपने भी परमात्मा का अनुपम वरदान है। इसका आदर करें, इसको सींचो और खूब कल्याणकारी विकास करो। दोस्तों, ये जीवन तो समुद्र मंथन की तरह है। जीवन को तो जीना ही है, समुद्र मंथन तो करना ही है। और इस समुद्र मंथन में सुर और असुर के झगड़े के बीच में हमें अमृत भी मिलेंगे, महालक्ष्मी भी मिलेगी और साथ में जहर भी मिलेगा। लेकिन ये जहर नीलकंठ की तरह अपने गले में रखना है, न स्वयं को नुकसान पहुंचाना है, न दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। तो दोस्तों, एक शेर के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता है खुद हर पल और फिर कहे कि बेकार है। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपके जीवन की शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ एक नए विषय को लेकर।